मैं हुणी खैरा साहब साढ़े सुखपाल खैरा जी दी वीडियो सुनी आ ते मैं समझदा बहुत ही वड्डा बदलाव है जिहड़ा वो साढ़े मूहरे आ गया। इस तरीके नाल जे खैरा साहब कोई आवाज़ उठाउंदे आ जे कोई उस सरकार दे मंत्री ने जिहड़े उन्हां दे खिलाफ जे कोई लोग उन्हां नूं मिले आके उन्हां नाल गल कीती आ जे आके ते उन्होंने वो चीज़ गवर्नर साहब नाल कीती। गवर्नर साहब नाल करन तों बाद उन्होंने वो वीडियो आ जिहड़ी हजे किसी नूं उन्होंने ना दिखाई पर उदू पहला ही एक घबराहट क्यों क्यों सरकार आ जिहड़ी आम आदमी पार्टी दी इह जिहा काम कर रही है इस लोकतंत्र च डेमोक्रेसी च। केजरीवाल साहब जिहड़े कहिंदे सी भी असी कदे भी इह जी पॉलिटिक्स नहीं करदे बदला दी पॉलिटिक्स करांगे वो अज उन्हां दे आउण तों पहला दिल्लियों हुक्म कर रहे हैं क्योंकि कदे भी उन्होंने केजरीवाल साहब ने सुखपाल खैरा होना नूं चाहे वह सी एल पी लीडर सी आम आदमी पार्टी दे चाहे वह विधानसभा डट के गल करते पर उन्होंने कदे भी वह चंगे नहीं लगे। अज केजरीवाल होना ने एक हुक्म किया है ये गल्लां दिल्ली वालियां दी करदे ने ना ये असली तानाशाह भी किवें ना किवें सुखपाल खैरे की जिहड़ी वह आवाज़ आ उहनूं बंद करो ये मेरे आने तो पहला पहला एक काम हो जाना चाहिदा ये उन्होंने हुक्म किया है उत्थों। पर केजरीवाल साहब असी पंजाबी हाँ तुसी माड़ी अख ना देख के भी देखो सुखपाल खैरे वाल सारा पंजाब उन्हां वाल जे वो पंजाब की गल करते हैं ते उन्हां नाल तुसीं इस तरीके नाल धक्का करोगे। असीं हुणी पता लै रहे हां मैं भी जलंधर चां कित्थे उन्हां कोल पहुंचदे हां ते बिल्कुल इह जिहा जे बेइंसाफी होएगी तां असीं 100% डट के खैरा साहब नाल खड़े हां ते जलंधर दे मैं समझदा लोग भी तुसीं जिहड़ियां चंद वोटां चार पैणियां सी तुहानूं वह भी नहीं पैणियां हुण जो तुसीं धक्का कर रहे हो खैरा साहब नाल ते जिथे भी उहने मैं सारे लीडर साहबानां नूं भी अपील करदा दूजे पार्टी वालियां नूं भी करदा भी इस तरीके नाल जे तानाशाह रुपया चलूगा तो किस तरीके नाल ये डेमोक्रेसी चलूगी। इस करके तकड़े होकर असी खैरा साहब दे नाल खड़े हाँ तो जिथे भी ने खैरा साहब उन्हां नाल सानूं दसण उह कित्थे ने असी थोड़े कोल पहुँचदे हाँ ये धक्का बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होऊ। कुछ लोग दस रहे आ भी शायद वो किसी होर जगह पर गए ने एकदम उन्होंने किसी होर सिविल वर्दी पता नहीं किस तरीके ना कौन बंदे आ जिहड़े मगर पए ने पर इस गल की बहुत भारी निंदा हो रही है सारे पास बहुत लोगों च रोस ये तो कदे भी नहीं हुए इस तरीके ना तुसी एक एडे बड़े लीडर नूं तुसी शरेआम जे वो थोड़ी कोई आवाज़ उठा रहा तो तुसी उन्हूं फड़न पुलिस भेज दोगे तो सारे जिन्नी भी लीडरशिप आ सारे एक होके खड़ो ता ही पता लगेगा इन्हां दी हिम्मत की हो जाए दिल्ली वालियां दी बाहरों आके साडे पंजाबी दे सानू यह इह जी गल सोचण दी इन्हां दी हिम्मत किवें पै जावे। हैरानगी की गल जिन्हों 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 जी करूगा तुसी कदे तुसी दबा पा के आ कैंडिडेट भी ये रिंकू वर्गे कमजोर नहीं गे तुसी कह रहे हो ना भी ये मंडी लगी हुई है जिन्हों मर्जी खरीद लो आम आदमी वाले भुलेखे चो ये थोनू पाठक करके दरगेश पाठक करके ने ना जेड़े वो मीटिंगां करके थोड़े च गैरत है तुसी MLA हो 90 चलो चीफ मिनिस्टर ते छड़ दिए स्पीकर साहब नू तुसी 90 MLA बैठे सी पंजाबी ते जदों थोनू उह धमका रहा सी ते तुसी इन्ने चाह पलूस उत्थों ताड़ियां मार रहे सी भी दरगेश पाठक सानू गालां कढ रहा कह रहा भी मैं कल्ले कल्ले नू थोनू सज़ा दऊंगा जे ये 10-10 पिंड तुसी ना जिते
ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਰਗੇਸ਼ ਪਾਠਕ ਹੋਣੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੌਜ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਮ ਐਲ ਏ ਬਣਾਏ, ਐਮ ਐਲ ਏ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਐਮ ਪੀ ਚੁਣੇ ਆ। ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਸ ਕਿੰਨੇ 6-7 ਐਮ ਪੀ ਬਣਾ ਤੇ, 1-5 ਪੈਸੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ? 3 ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਐਮ ਪੀ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਆਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪੇਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਆਇਆ ਉਹ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਐਮ ਪੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਇੰਨੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ, ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੜਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਟ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਆ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਉਤਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।